तो हम आज सफर में निकल पड़े हैं केदारनाथ के। आप देख सकते हैं बहुत ही मनोरम दृश्य हो रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर वादियां, नदियां, घाटियां। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां जाकर आपका दिल बाग बाग उठेगा। जी हां, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वह है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जिले का एक धार्मिक स्थल। अपनी मंजिल से कुछ ही दूर हम एक छोटे से ढाबे पे पेट पूजा करते हुए चलिए कुछ लोगों से राय जान लेते हैं कि यहाँ का खाना उन्हें कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा इन्हें। आप कहेंगे? कैसा लगा? ये कह रहे हैं अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, फराड़ा यहाँ पे कह रहे हैं ज्यादा खास नहीं था। व्लॉग में और आप देख सकते हैं मनोरम दृश्य हो रखा है, बारिश हो रही है। तो आपको ये राय मैं देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो अपने साथ बरसाती विंड शीट या रेन शीट वगैरह अपने साथ रेनकोट लेकर जाना मौसम, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि आपको लूटने वालों की भरमार है। आपको बड़ी महंगी महंगी रेन शीट दी जाएंगी 300, 400, 500 रुपए की। तो आपको ये एडवाइस है कि आप अपने साथ पहले ही एक रेन शीट लेके जाएं। ट्रैवलिंग के खर्चे की बात करें तो ये आपका अगर आप दिल्ली से या आसपास हरिद्वार से ऋषिकेश से ट्रैवल करते हैं बस के थ्रू, उसके बाद ट्रैकर के थ्रू, तो ये आपका 500 के आसपास ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है। ठीक है, हम एक टाइट बजट प्लान पे चलेंगे कि किस तरह आप यहाँ पहुँच सकते हैं, किस तरह खर्चा आपको करना है। तो अगर आप बस से आते हैं, ट्रैकर से, छोटे, अगर आप किसी अपनी प्राइवेट गाड़ी से नहीं आते हैं या गाड़ी बुक करके नहीं आते हैं तो 500 रुपये से आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सोनप्रयाग आ चुका है, हम सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं। और यहाँ आने के लिए आपको ट्रैकर में पहले लाइन लगानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है अगर आप किसी गलत टाइम पे पहुंचते हैं, ये तो मेरी एडवाइस है कि आप यहाँ पर सुबह सुबह सोनप्रयाग पहुँच जाएँ। होंगे कहीं, अगर आप सोनप्रयाग सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, अगर आप सुबह सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो शायद आपको ट्रैकर में बैठने के लिए लाइन ना लगानी पड़े, वो आप आसानी से गौरीकुंड पहुंच जाएं। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है और हो सकता है आपको उसके लिए एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े, तो आप सुबह सुबह सोनप्रयाग पहुंच जाएं। और ये जो आप देख रहे हैं दृश्य सामने, ये गौरीकुंड आ चुके हैं, हम गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं। और ये गौरीकुंड में जो तप्त कुंड है उसके पास ये नदी बह रही है अलकनंदा। तप्त कुंड हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, वहाँ लोग तीर्थयात्री स्नान कर रहे हैं। सामने ही है इसके, आप जो दृश्य देख रहे हैं इसके सामने ही थोड़ा सा आगे गौरीकुंड है, ये उसके पास में नदी बह रही है गौरीकुंड के, तप्त कुंड की। और तप्त कुंड में ये जो पानी है वो हर समय गर्म रहता है, ठीक है, साल भर वहाँ गर्म पानी रहता है और लोग वहाँ स्नान करते हैं, बहुत दूर दूर तक फेमस है ये। रात को हमने अपना सफ़र, अगर आप सुबह गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो आप सुबह ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं, दो बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है रात का। लेकिन अगर आप शाम को यहां पहुंचते हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप रात को ही ट्रैकिंग शुरू कर दें, 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि अगर आप सुबह ट्रैकिंग करेंगे तो धूप दिन में बढ़ जाएगी और ट्रैकिंग करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, पसीना काफ़ी आने लगेगा, धूप लगेगी, गर्मी लगेगी और ऊपर चढ़ाई में आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो अगर आप रात को ही ट्रैकिंग कर दें, अगर आप शाम को पहुंचते हैं यहाँ पर 4-5 बजे के आसपास, थोड़ा रेस्ट करके 4-5 घंटे का आप चढ़ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं रात को 2-3 बजे, और हो सकता है कि आप 7-8 घंटे में ट्रैकिंग कर जाएं और 8-9 बजे तक आप केदारनाथ पहुंच जाएं। तो ये आप रास्ता देख रहे हैं, काफ़ी लुभावना रास्ता था, जगह जगह पेड़ पौधे, घोड़े खच्चरों की आवाज़, उनकी घंटियों की आवाज़, ये आपका दिल लुभा लेगी। आप यहाँ पर नाश्ता भी कर सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर जगह हैं, जंगल चट्टी काफ़ी फेमस जगह है, जंगल चट्टी। और पीने का यहाँ आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक चीज़ महंगी होती जाएगी। पीने का पानी ऊपर पहुँचते पहुँचते आपको 60 रुपये बोतल भी मिलने लगेगा, लेकिन पीने के पानी की यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भरपूर स्रोत है,
और ऐसा पानी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा झरना है, लेकिन यहाँ से आप पानी मत पीजिएगा, पानी के और स्रोत हैं जहाँ पर आपको ऐसा पानी मिलेगा आपने जैसा पानी कभी पिया ना हो। बिल्कुल स्वच्छ प्रकृति से आता हुआ पानी। तो ये एक छोटा सा झरना है और ये हम अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। तो आपको अगर आप रहने के लिए कोई सस्ता होटल यहाँ देखेंगे गौरीकुंड में, तो आप ये भूल जाइए कि आपको सस्ता होटल मिलेगा। तो मैं ये आपको एडवाइस देता हूँ कि अगर आप ग्रुप में जाएं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो शायद आपको थोड़ा ठीक लग जाए, क्योंकि आपको एक हॉल मिल सकता है बड़ा, जो आपको 4-5 हज़ार के आसपास मिलेगा। और अगर आप 10-12 लोग उस हॉल में रहते हैं तो एक एक पर हेड आपको 500 रुपये के आसपास हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी होटल की तलाश करते हैं तो आपको होटल काफ़ी महंगे, 3,000-4,000 एक लोगों के लिए या 2-3 लोगों के लिए आपको, ये थोड़ा महंगा मुझे लगा, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत रहती है तीर्थयात्रियों की, तो वो थोड़ा रेट उनके हाई हो जाते हैं। खाने पीने का, आप जब ट्रैकिंग करेंगे तो कुछ अपने साथ केले और बाकी सारी फ्रूट्स वगैरह रख लें, पार्ले जी बिस्किट्स रख लें, क्योंकि ऊपर पहुंच के आपको बिस्किट्स और ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी मिलेंगी। तो आप अगर रख लें रास्ते में ही, तो आप रास्ते के लिए अपना एनर्जी बूस्टर की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको थकावट काफ़ी लगने लगेगी। जो रास्ता है वो 20-21 किलोमीटर अब हो चुका है, पहले 14 किलोमीटर था आपदा से पहले। दृश्य काफ़ी लुभावने हैं, अपनी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। और एक और एडवाइस आपको है, ये सामने आप हिमालय देख रहे हैं, वहाँ हमें पहुँचना है। जी हाँ, वहाँ पर हमें पहुँचना है, वहाँ पर ही है केदारनाथ। तो अगर आप एक स्टिक ले लें, एक डंडा ले लें, ट्रैकिंग स्टिक, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, जो कि मैंने नहीं ली थी और ये मुझे गलती लगी। ये शायद आपके एक इस टाइट बजट को कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा इस पर। तो ये 20-25 रुपए की स्टिक मिल जाएगी और आपको ऊपर चढ़ने में काफ़ी मदद करेगी। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप एक स्टिक ज़रूर ले लें। ये रास्ते हैं, अब बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, बर्फ़ की चट्टाने आपको, बर्फ़ के छोटे छोटे पहाड़ जो हैं वो दिखने लगेंगे। अगर आप ऊपर चढ़ने में आपको दिक्कत है, परेशानी होती है और आप घोड़े के थ्रू या खच्चर के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि आपके अंदर थोड़ा साहस होना चाहिए घोड़े में बैठने के लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी घोड़े जो होते हैं वो आपको दुलत्ती मार सकते हैं या फिर उछल कभी इधर उधर आपको गिरा भी सकते हैं। मैंने कई ऐसे जगह देखे जहाँ घोड़े इधर उधर उछाल के लोगों को गिरा दे रहे थे। तो आपको थोड़ा साहस अपने अंदर रखना पड़ेगा अगर आप घोड़े के थ्रू जाना चाहते हैं। और घोड़े का मैं आपको किराया बता दूं, ये ऊपर चढ़ने का घोड़े का किराया जो है वो 2100 रुपये है और ये सरकारी रेट है, और नीचे आने के लिए आपको 1500 रुपये घोड़े के देने होंगे। अभी हेलीकॉप्टर गुजर गया हमारे सर के ऊपर से। आप एक और चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि जैसे आप गौरीकुंड में हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ बहुत ही धीमी सुनाई देगी, काफ़ी ऊपर हेलीकॉप्टर है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहीं हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई करेंगे हेलीकॉप्टर आपके पास आते जाएंगे, और आपको एक समय ऐसा आएगा जब आप हेलीकॉप्टर के, जहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पास ही खड़े होंगे। हर 5-10 मिनट में हेलीकॉप्टर गुजरते रहते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपका बजट थोड़ा लूज़ है, तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करा सकते हैं। और कुछ सूत्रों से पता चला कि हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो 3500 से 4000 के बीच रहता है। आप इनकी प्री ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और ये रास्ता इस तरह जा रहा है, थोड़ा सावधानी से चलिए क्योंकि यहाँ फिसलने का भी डर रहता है। घोड़े से जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरते घोड़े में, कई लोग घोड़े में बैठे बैठे सो जाते हैं, कभी आपको घोड़ा गिरा ना दे। तीर्थयात्री आपको काफ़ी दिखेंगे, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, हजारों श्रद्धालु जाते हैं। तो अगर आप सुबह सुबह सही टाइम पे केदारनाथ पहुंच जाएं तो शायद आपको दर्शन मिल जाए आसानी से, क्योंकि वहां लाइन काफ़ी बड़ी और लंबी लग जाती है, और हो सकता है कि आपका नंबर शाम तक भी ना आए। अगर आप सुबह लगें तो शाम तक भी नंबर ना आए। पहले VIP एंट्री भी मिलती थी, कुछ पैसे देकर वो एंट्री दे देते थे, लेकिन अब शायद वो बंद हो चुकी है। लेकिन मेरी एडवाइस है आपको कि अगर आपको दर्शन नहीं होते हैं, अगर आपको दर्शन मिलने में दिक्कत होती है, तो आप वहाँ रेस्ट कर सकते हैं होटल में। आपको वहाँ पर भी होटल काफ़ी महंगे मिलेंगे, वहाँ पर भी 4000-5000 का हॉल, और सिंगल अगर आप या 2 लोगों के लिए होटल लेंगे तो वो तो आपको
टाइट बजट पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको महंगा लगेगा, 2,500-4,000-5,000 इस तरीके से। तो अगर आपको सुबह दर्शन नहीं मिल पाते हैं, दिन में दर्शन नहीं मिल पाते हैं, तो मेरी एडवाइस आपको है कि आप शाम को दर्शन करें। शाम को भीड़ काफ़ी कम हो जाती है और उस समय जो दरवाजे होते हैं वो सबके लिए खुल जाते हैं। लीजिए आ गए हम केदारनाथ, पीछे बर्फ की घाटियाँ दिख रही हैं। जय शिव शंभू। और ये आसपास छोटे छोटे घर, लोगों के पंडित यहाँ के रहते हैं, उनके घर हैं, आसपास होटल्स भी हैं। ये काफ़ी कुछ तबाह हो गया था आपदा में और ये अभी सब नया बना है। दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन लगी रहती है, लाइन जो आपको दिख रही है काफी छोटी है। और ये शाम को पहुंच गए हैं। चलिए कुछ लोगों से जान लेते हैं उनकी राय, उनको कैसा लगा। एक्सपीरियंस बताइए आपको मंदिर में कैसा लगा। कल्टी तो थी यहाँ आने में, जी जी, लेकिन फिर भी मेन तो जो हमारी डेस्टिनी थी, सुरगामी डंडी है हमारी जो मेन डेस्टिनी थी। मतलब हम लोग सुबह से लगे, लेकिन फिर भी रात को दर्शन मिले। रात को दर्शन मिले इन्हें, सुबह दर्शन नहीं मिले दिन भर लाइन में लगने के बाद। ये वापसी हो गई है, आपको रास्ते में लाइट दिखेंगी, लेकिन ये लाइट जी यहाँ आपको लाइट पूरे रास्ते भर में लाइट है। अगर आप रात को वापसी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को भी वापसी कर सकते हैं, लेकिन अकेले वापसी ना करें। और हाँ, एक और एडवाइस आपको है कि आप अपने साथ मूव वगैरह, ये जो पेन रिलीफिंग क्रीम स्प्रे वगैरह ये रख लें, और अपने साथ कुछ बुखार और छोटी मोटी दवाइयाँ सर्दी जुकाम की रख लें, क्योंकि आपको वहाँ सर्दी जुकाम हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा तबीयत वहाँ ख़राब हो गई तो आपको ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है। और मूव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हाथ पाँव में दर्द होने लगेगा इतनी आप चढ़ाई करेंगे अगर पैदल, तो मूव रख लें आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। और खाने पीने का खर्चा ऊपर, अगर आप प्लेट जो खाने की प्लेट होती है वो देखेंगे, वहाँ 150-200 रुपये की मिलेगी, तो आपको वहाँ खाना तो खाना ही पड़ेगा आप। लेकिन नाश्ता वगैरह मैगी कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा बजट टाइट रखना है तो आप नाश्ते में केले वगैरह अपने साथ जो ले गए हैं थोड़ा बहुत नाश्ता वो कर सकते हैं। खाना वगैरह आप होटल से खा सकते हैं, आपको 100-150-200 रुपये की प्लेट मिल जाएगी। यहाँ से ये घोड़ों का अस्तबल है, और माना जाता है कि यहाँ पर सूत्रों से पता चला है कि 50,000 के आसपास घोड़े हैं, और वापसी गौरीकुंड तक हो चुकी है। ये श्रद्धालु हैं, बहुत भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, सामने आप लाइन देख सकते हैं लोगों की जो इधर को आने वाले हैं, जो ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और सामने ही इससे थोड़ी दूर गौरीकुंड है। तो हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं अगले।